नमस्कार, गपशप के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेघना और आज के हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर अरुण तिवारी। प्रोफेसर तिवारी इंडिजिनस कोरोनरी स्टेंट के इन्वेंटर हैं। इसके अलावा उन्होंने सैटेलाइट बेस्ड टेलीमेडिकल सिस्टम भी बनाया है। और प्रोफेसर तिवारी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सबॉर्डिनेट भी रह चुके हैं। तो आइए हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपका बचपन कैसे बीता, आप अपने माता पिता के बारे में बताएं। मेरा जन्म मेरठ, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगा हुआ एक ज़िला है, वहाँ हुआ। और छोटे से घर में एक मोहल्ला था, तो वहाँ गाय, बंदर, कुत्ते, सब पशु पक्षी चारों तरफ घूमते रहते थे। तोता भी था एक घर में, तो वहाँ हुआ। और एक देवनागरी इंटरमीडिएट कॉलेज है मेरठ में, वहाँ मैंने हिंदी मीडियम से अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी करी। और उस काल में 1970s उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अगर फर्स्ट डिवीज़न आ जाती थी तो स्वतः ही एडमिशन मिल जाता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, बस चिट्ठी भेजनी पड़ती थी। तो उस चक्कर में मेरा एडमिशन हो गया गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, जो पंतनगर में है, अभी उत्तराखंड में चला गया। तो वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया और मैं इंजीनियर बन गया। तो उसके बाद जब मैं आखिरी दिन अपना सामान वगैरह पैक करने के बाद घर जा रहा था, तो मैंने सोचा एक आखिरी बार अपने कॉलेज को देख लेता हूँ। तो जब मैं अपने कॉलेज को आखिरी बार देख रहा था, तो कूलर से पानी पीने के बाद, जैसा सब स्टूडेंट करते हैं, मैं दीवार से अपने हाथ सुखा रहा था, क्योंकि दीवार के ऊपर चूना होता है तो हाथ अच्छी तरह से सूखता है, रुमाल तो होता नहीं स्टूडेंट्स के पास। तो मेरे प्रोफेसर अशोक कुमार ढोल थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उससे पूछा, हमारा अरुण तिवारी अभी क्या करने वाला है? तो मैं बोला, सर मैं घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग करने के बाद कभी घर नहीं जाना चाहिए, इंजीनियरिंग करने के बाद बाहर जाना चाहिए। तो मैं बोला, सर मेरी तो अभी नौकरी नहीं लगी, तो मैं क्या करूँ? तो बोले, पढ़ाओगे हमारे कॉलेज में? तो मैं बोला, हाँ सर पढ़ाऊँगा। तो बोला, कल सुबह आ जाना। तो इस तरह से मुझे जॉब मिल गया। तो मैं अगले दिन से वहाँ पर एक शैक्षणिक सहायक की तरह से, उन्होंने मुझे 750 रुपये महीना पर जॉब दे दिया। फिर मैंने अपनी M.Tech करी पढ़ते पढ़ते। उसके बाद 1982 में, 81 में रक्षा मंत्रालय ने, जो उनकी अनुसंधान प्रयोगशालाएं होती हैं, उसका एक एडवर्टाइजमेंट निकला था, वो भर दिया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैं हैदराबाद पहुंच गया और वहां मुझे डॉक्टर कलाम मिल गए, तो बस लाइफ बन गई। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। आप बचपन में कैसे थे? आप शैतान थे या फिर आप बहुत शांत बच्चे थे जो पढ़ाई करता रहता था? आपके माता पिता आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते थे? नहीं, शांत तो कोई बच्चा नहीं होता, मूलतः बच्चा शांत होना नहीं चाहिए, अगर बच्चा शांत होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अनुशासन या जो भी कहो, एक डर होता है जो मध्यम परिवार के परिवार होते हैं कि हमारा बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो वो क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। तो वो डर की वजह से थोड़ा सा जाति होती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और हमारा सौभाग्य ये था उस काल में कि टेलीविज़न नहीं था, तो पढ़ना आसान था। आजकल पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो आपके घर में या पड़ोसी के घर में या कहीं तो टेलीविज़न चल रहा होगा। तो प्रेशर था पढ़ने का, और सुविधाएं नहीं थी कुछ भी, मोहल्ले में कोई खेलना नहीं, कुछ नहीं, कोई जगह नहीं थी खेलने की। तो ऐसे बस हो गया। और मेरा सपना यही था कि मेरठ में एक देवनागरी पॉलिटेक्निक स्कूल हुआ करता था, तो मैं सोचता था कि इंटरमीडिएट करने के बाद मैं पॉलिटेक्निक स्कूल में भर्ती हो जाऊंगा और डिप्लोमा कर लूंगा। तो उससे ज़्यादा बड़ा कोई सपना भी नहीं था, क्योंकि कोई सपना दिखाने वाला भी नहीं था। सपना देखने के लिए ज़रूरी है कि कोई सपना दिखाने वाला हो। और डॉक्टर कलाम से जो मैंने सीखा वो ये है कि जो सपने हैं वही एक सामान्य आदमी को बड़ा आदमी बनाते हैं, क्योंकि आप सपना नहीं देखोगे
तो आपको पता नहीं लगेगा आपको क्या बनना है क्या करना है। तो मेरा तो कोई सपना नहीं था। सर कलाम सर से आप सबसे पहले कैसे मिले और आप वो अपनी फर्स्ट मीट के बारे में कुछ बताएं। एक बात जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि जो जीवन होता है वो बहुत साइलेंटली अनफोल्ड करता है अपने आप को, तो उसमें कोई सिनेमा की तरह बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ कोई किसी से मुलाकात होती है ऐसा सब कुछ नहीं होता। बड़े धीरे से सहज भाव से जीवन करवट लेता रहता है और जब जीवन करवट लेता है तो उस समय समझ में भी नहीं आता कि जीवन करवट ले रहा है। उसके बाद साल के बाद, दो साल बाद, दस साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तब आपको पता लगता है कि अरे ये तो उस दिन की बात है जब मेरा जीवन चेंज हुआ था। तो 1982 के अंत में एक दिन शाम के 4 बजे एक आदमी आया, और अभी चपरासी कहना तो अलाउड नहीं है आजकल, तो वो कुछ प्योन टाइप का एक आदमी आया और उसने कहा कि डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। तो मेरी पहली रिएक्शन ये थी कि मैंने क्या किया है, मतलब डायरेक्टर साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं, तो मैं तो अभी नया नया भर्ती हुआ हूँ, मैंने क्या किया है। तो मैं अपने डिपार्टमेंटल हेड थे मेरे, एक आर्मी के काफ़ी लोग DRDO में काम करते हैं, तो वो ब्रिगेडियर विजय सुंदरम थे, तो मैं उनके पास गया कि सर डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं आप मुझे मेरे साथ चलो। तो उन्होंने कहा ये कोई प्राइमरी स्कूल थोड़ी है, किंडरगार्टन थोड़ी है, डॉक्टर साहब अगर आपको बुला रहे हैं तो आप जाओ, मैं कोई आपका अभिभावक थोड़ी हूँ यहाँ पर, जाओ। और अगर उन्हें मेरे साथ बुलाना होता तो मुझसे कहते तुम्हें लेके आओ। तो मैं जब डॉक्टर साहब के ऑफिस में पहुँचा तो वहाँ उनकी एक सेक्रेटरी थी, तो उन्होंने ऑर्डर आ दिया कि इतनी देर हो गई कहाँ हो, डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं आपकी। और उसके बाद उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब कमरे में भेज दिया। तो पहली बार मैं डॉक्टर कलाम से दो चार हुआ, वैसे उन्हें मैंने 15 अगस्त का झंडा फहराते हुए देखा था, लेकिन डायरेक्टर से बात थोड़ी करते हैं जो जूनियर साइंटिस्ट होते हैं। वो बहुत बड़े हीरो थे उस ज़माने में भी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1980 में उन्होंने लॉन्च करी थी, एंड ही वाज ए हीरो एट दैट टाइम आल्सो। तो कुर्सी वगैरह तो डिफेंस में ऑफर नहीं करी जाती जूनियर्स को, तो मैं खड़ा हो गया। तो पहला सवाल जो मेरे जांचकर्ता ने मुझसे पूछा वो ये था कि एक उनके बराबर में एक सज्जन बैठे थे, बड़े हैंडसम और प्रौढ़ कहना चाहिए, थोड़े मिडिल एज्ड, फेयर कॉम्प्लेक्शन, मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह से। तो डॉक्टर ने कहा कि ये सज्जन, दिस जेंटलमैन, ये मिसाइल की बॉटल्स को, एयर बॉटल्स को टाइटेनियम से बनाना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू से। अब मेरे साथ समस्या ये कि ना तो मुझे ये पता टाइटेनियम क्या होता है, ना मुझे ये पता कि ये एयर बॉटल क्या होती है, ना मुझे ये पता ये सज्जन कौन है। तो मैंने जो हमारी उत्तर प्रदेश की स्टेट रिस्पॉन्सनेस होती है जिसके सहारे हम पूरी दुनिया से टक्कर लेते हैं, तो मैंने उसके तहत कहा कि सर बड़ा अच्छा विचार है, आई थिंक इट्स ए वेरी गुड आइडिया, विदाउट नोइंग एनीथिंग। सो डॉक्टर कलाम लुक्ड एट मी विद वेरी डीपली, आई विल नेवर फॉरगेट दैट गेज, अभी भी मैं कभी आँख बंद करता हूँ तो मुझे वही उनका शक्ल याद आ जाती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो मैं बोला सर मेरी उम्र 27 साल है। तुम 27 साल की उम्र में थिंक करते हो, फैंटास्टिक फेलो। मैं तो ये सोच रहा था कि ये यंग लड़का 27 साल का कहेगा कि सर मुझे टाइटेनियम एयर बॉटल बनाने का एक जिम्मेदारी दीजिए तो मैं बना के दिखा दूँगा, और तुम कह रहे हो कि तुम सोच रहे हो कि एक अच्छा आइडिया है, तो मैं सरकार के पैसे इस 27 साल के आदमी की सोच के ऊपर नहीं कुर्बान कर सकता, गेट आउट। तो बस मेरी टर्निंग पॉइंट ये थी कि मैं गेट आउट नहीं हुआ, मैं एक मिनट और खड़ा रहा। मैंने कहा सर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मगर मैं कहना तो यही चाह रहा था। तो ही सर यू आर श्योर, ऐसे यस सर, जाओ फिर बनाओ। तो बस मुझे पहला असाइनमेंट मिल गया, उसके बाद मैंने
भारत की पहली टाइटेनियम एयर बॉटल बनाई, और उसके वो जो सज्जन थे वो डॉक्टर जी जे गुरु राजा थे, वो भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड एक कंपनी होती थी विशाखापट्टनम में, उसके चीफ इंजीनियर थे डिज़ाइन के। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे सिखाया टाइटेनियम क्या होता है, एयर बॉटल क्या होती है। उसके बाद जब 1985 के अंदर वो बॉटल बन गई, वो एक्चुअली बॉटल के अंदर बहुत भारी प्रेशर के ऊपर 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हवा स्टोर करी जाती है, तो जब मिसाइल उड़ता है तो हम नीचे से जब इलेक्ट्रॉनिक कमांड देते हैं कि तुम दाएं घूमो बाएं घूमो, तो वो उस कमांड देने के बाद उस एयर बॉटल के अंदर जो कॉम्प्रेस्ड एयर होती है वो एक्चुएटर के थ्रू लीक होती है, और फिर वो उसको एंगल क्रिएट करती है उसके विंग्स और फिन्स के अंदर, तो मिसाइल मुड़ जाता है उससे। तो 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो श्रोता सुनने हैं उनको बताने के लिए कि 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपकी कार के अंदर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 3 भी नहीं, 2.5 होता है बस, 33, सो 14.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कहाँ 3 और कहाँ 400, तो वो अगर बॉटल गलत डिज़ाइन हो और फट जाए तो एवरीबॉडी विल बी किल्ड, तो वो जिम्मेदारी उन्होंने भी बनाने की दी थी। तो 1985 में जब मैं खुश होकर वो एयर बॉटल फुटबॉल की तरह की बॉटल कलाम साहब के पास गया, तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा खुश होएंगे, शाबाशी देंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा जाओ इसको टेस्ट करके आओ। तो फिर मैंने कहा कि सर कहाँ टेस्ट करके आऊँ, तो उन्होंने कहा जहाँ टेस्ट होती हैं। तो मैं बाहर आया, मैंने पूछा एयर बॉटल कहाँ टेस्ट होती हैं, तो बोले इंडिया में तो पहली बार बनाई है तुमने, तो ये फ्रांस में एक एरोस्पेशियल कंपनी है जो एयरबस बनाती है, तो वहाँ टेस्ट होती है। तो मैंने पूछा कि तो इसका मतलब है डॉक्टर कलाम ये कह रहे हैं कि मैं फ्रांस जाऊँ, तो बोले क्या कुछ इसको और किसी भाषा में कहा जाएगा। तो उसके एक 15-20 दिन बाद मेरी उम्र 30 साल की भी नहीं थी, तो मैं फ्रांस चला गया एयर बॉटल टेस्ट कराने के लिए, एयर बॉटल पास हो गई और मैं स्टार बन गया। और अभी भी मुझे याद है कि जब मैं अकाउंटेंट के पास गया था कि पैसे लेने के लिए फ्रांस जाने के लिए, तो मैं सोचा था कि मुझे हैदराबाद से दिल्ली का हवाई जहाज का टिकट, मैं हवाई जहाज में नहीं बैठा था उससे पहले कभी, मुझे पता ही नहीं था प्लेन क्या होता है, तो वो मिलेगा। तो उसने मेरी तरफ देखा कि अच्छा बड़ी जल्दी भाग्य जाग गए तुम्हारे, तुम एब्रॉड जा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हैदराबाद से दिल्ली भी हवाई जहाज में जाओगे, हैदराबाद से दिल्ली ट्रेन में जाना और वहाँ से प्लेन पर आना। तो मुझे अभी भी याद है मैंने उनसे कहा कि सर कोई अगर दिल्ली से पेरिस की भी ट्रेन होती हो तो मैं तो 6 महीने में चला जाऊँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम बदतमीज़ हो, तुम्हें सीनियर लोगों से बात करनी नहीं आती। तो ऐसे करके जीवन शुरू हुआ। यही पूछना था कि आपने कई बार, आपने कल लेक्चर में भी बोला, आज भी आपने 2-3 बार बोला कि कलाम सर वॉज अ ग्रेट पर्सन, तो उनको ग्रेट कौन बनाता है? उन्होंने जो इंडिया के लिए काम किया, जो साइंस के लिए उन्होंने काम किया वो, या फिर उनकी सिंप्लिसिटी जैसे वो बात करते, या फिर उनका वे ऑफ लिविंग, अगर वो साइंटिस्ट नहीं होते तो शायद वो कुछ और होते, लेकिन वो उसी पैरामीटर में आगे बढ़ते, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए? ये बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में पूरे जीवन का सार छुपा हुआ है। कि ये जो कहना है कि मैं क्या होता, वो क्या होते, एक्चुअली हम जब पैदा होते हैं तो पहली बात ये समझनी ज़रूरी है कि हम अनावश्यक रूप से पैदा नहीं होते हैं, कुछ कारण होता है जिसकी वजह से हम पैदा होते हैं। और ये पूरी सृष्टि जो चल रही है, ये इस समय देखो सूरज निकल रहा है और गंगा बह रही है, तो सब कुछ हो रहा है चारों तरफ, तो हम तो नहीं कर रहे। और आजकल पानी के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पानी फ्री था कुछ दिन तक, और हवा आज भी फ्री है, अभी भी आप हवा के पैसे नहीं दे रहे, और हवा ना मिले तो 2-3 मिनट में डेथ हो जाती है। तो सब कुछ चल रहा है, तो उसमें ये कि मुझे क्या बनना है, ये मेरे ख्याल से सबसे बेवकूफ़ी भरा हुआ सवाल है। आपको खाली अपने आप को प्रस्तुत करना है इस दुनिया के सामने, इस सृष्टि के सामने, कि मैं अब तैयार हूँ, अब बताओ क्या करना है,
यू हैव टू बी रेडी योर सेल्फ, द लाइफ विल अराइव टू यू, नीड नॉट चेस लाइफ. तो हम लोग लाइफ को चेस कर रहे हैं कि मैं IIT का कंपटीशन दे रहा हूँ तो मैं IIT में चला जाऊँगा, अब मैं IIT के अंदर 10 पॉइंट में ग्रेड लाऊँगा, अरे मेरा 10 पॉइंट ग्रेड नहीं आया तो मैं, अरे नहीं आया तो नहीं आया, और 10 पॉइंट जिनका ग्रेड आया उन्होंने क्या कर लिया, तो तुम्हारा नहीं आया तो तुम क्या नहीं कर पाओगे. तो लाइफ का मेरा रोल क्या है मेरी लाइफ में. कल मैं गंगा में गया था तो एक नाव वाला था, तो 2 घंटे उसने मुझे नाव में बिठाया, अपनी मसल पावर यूज़ करी, नाव का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होगा, और बेचारे ने 500 रुपये लिए. तो किसी के दिमाग में सवाल नहीं आता कि एक गरीब आदमी जो धूप में नाव में 4 लोगों को बिठा के, और नाव में भी उसने पैसे खर्च किए हैं, और वो 2 घंटे में 500 रुपये कमा रहा है, और यहाँ लोग ऐसी ऐसी TV पे रोज़ शाम को खबर मिलती है कि इतने लाख करोड़ इतने हज़ार करोड़ लेके कोई भाग गया और ये हो गया. तो ये जो आम आदमी है जो नाव चला रहा है बैठ के, ये नहीं सोचता होगा गंगा मैया में कि वो आदमी इस गंगा मैया के अंदर डूब के मर जाए. तो ये जो ये कुछ गलत हो गया, हमारे चारों तरफ जो हो रहा है वो बहुत कुछ गलत हो रहा है. तो मेरा ये मानना है कि कलाम साहब या इतने जितने भी बड़े आदमी हैं सब, मैं अपने प्रधानमंत्री को भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में रखता हूँ कि जो गरीब लोग थे और उन्हें जीवन के सामने उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत करा कि मैं क्या करूँ. तो जब आप ये पूछते हैं प्रश्न शिष्य से कि मैं क्या करूँ, तो वो पहले आपका एग्ज़ाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं ना शुरू में. तो अब उस एग्ज़ाम में आपको कुछ बातें पूछी जाती हैं, तो पहली बात ये होती है कि जैसे मैं सुबह चाय पीता हूँ तो पहले तो मैं देखता हूँ कि प्याला मेरा गंदा तो नहीं है, साफ़ है नहीं है, तो भगवान भी देखता है कि साफ़ हो या नहीं हो. और अंदर झांक के देखता है तो कचरा कुंडी है पूरी, अंदर क्या क्या भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, लोभ भरा हुआ है, एडिक्शन भरे हुए हैं, आलस भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है. तो फिर आप IIT कर लो या ऑक्सफोर्ड चले जाओ या कैम्ब्रिज कर लो, कुछ होने वाला थोड़ी है. तो अगर मैं अपने आप को निर्मल रखूँ, साफ रखूँ, सोचूँ, संवेदन करूँ कि चारों तरफ मेरे क्या हो रहा है, कोई कागज़ पड़ा हुआ है तो उसको उठा के कचरा कुंडे में डाल दूँ, कोई गरीब आदमी जा रहा है तो उसकी कुछ मदद कर दूँ, कोई बच्चा आके मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसकी जिज्ञासा का समाधान कर दूँ. तो ये छोटे छोटे जब आप करने लगोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, बड़े बड़े दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे आपके लिए. और अगर आप घोड़े की तरह अपनी आँखों के दोनों तरफ वो लगाते हैं ना, वो हाँ वो वाली ब्लिंक्स क्या जो बस, तो वो हैं सब. यहाँ घोड़ों की दौड़ हो रही है, मैं जब परसों से IIT में आया हूँ तो मैं घोड़ों की दौड़ देख रहा हूँ, घोड़े दौड़ रहे हैं. उन्हें दोनों तरफ आम के इतने बड़े मालविया साहब ने पेड़ लगवा रखे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता इसकी इसको बौर कहते हैं, अब ये बौर आएगी इसका फल बनेगा, उन्हें कुछ नहीं पता. वो तो खाली ये देख रहे हैं कि अरे 9.8 आया था, इसको 9.9 कैसे बनाया जाए. उन्हें ये नहीं पता कि कुछ नहीं होने का उससे. 9.8 दिस वर्ल्ड डज नॉट नीड योर 9.8, दिस वर्ल्ड नीड्स योर अटेंशन, दिस वर्ल्ड नीड्स समथिंग फ्रॉम यू. तो बस यही एक सार है जीवन का कि मैं इस संसार को क्या दे सकता हूँ. और इसके लिए कुछ बड़ा बनना जरूरी नहीं है, बड़े तो आप तब बनोगे जब आपको देना चाहोगे, वो तो क्वालिफिकेशन में ही फेल हो जाते हैं लोग. जो सड़क पे पड़ा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा डस्टबिन में नहीं डाल सकता, जो किसी गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकता, जो अपने जो रेस्टोरेंट में या बैरा जो उसको खाना सर्व कर रहा है उसको थैंक यू नहीं बोल सकता, वो क्या कर सकता है, उसको क्या देगा भगवान, उसको जिंदा रखेगा यही काफ़ी है. आपने जैसे बोला कि बच्चों के पास मतलब कॉम्पिटिटिव स्किल्स तो बहुत आ गए कि उनको कॉम्पिटिशन में मतलब GPA मार्क्स बढ़ाने आता है, लेकिन उनको सोशल स्किल्स नहीं मिलते हैं. तो क्या मतलब किसी भी तरह से एजुकेशन सिस्टम इसके लिए ज़िम्मेदार है, मतलब या टेक्नोलॉजी ज़िम्मेदार है या फिर वे ऑफ लाइफ ज़िम्मेदार है, मतलब कहाँ जाके गलती हो गई और कहाँ से गलती होनी शुरू हुई? नहीं, गलती ना तो कोई गलती हुई है ना कोई गलती शुरू हुई है,
ये जीवन है और ये कलयुग है, पहले ये समझना जरूरी है। तो पहले बता दिया गया था कि कलयुग में ऐसा ही होगा, हंस उगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा, है ना, पहले से ये तो तय है। तो हम एक ऐसी युग में रह रहे हैं जिसमें विसंगतियाँ हैं, जिसके अंदर विरोधाभास हैं, जिसके अंदर अच्छे आदमी की लाइफ जो है वो बुरी है और बुरे आदमी की लाइफ अच्छी है। तो पहले तो इस पर कोई आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। बुरे आदमी की लाइफ अच्छी दिखती है दूर से? हाँ, मतलब जो भी है वो दिखती तो है सब, तो वो सब है। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है। अब अच्छे आदमी का जीवन कलयुग में भी अच्छा हो तो इसके लिए रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, तो उन्होंने ये बताया था कि जो राम का नाम है, राम का जो स्मरण है वही काफ़ी है, क्योंकि अब तो आसान हो गया ना, कलयुग में तो भगवान को याद करना और भी आसान है, अंधों में काना सरदार। तो आप अगर थोड़े से भी आपकी विंडो खुली हुई है, बिल गेट ने अपने सॉफ्टवेयर का नाम विंडो इसलिए रखा कि विंडो खुली हुई है, कोई विंडो तो खुली होनी चाहिए ना, तो विंडो खुल गई कंप्यूटर आने से। तो अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी खुल जाए, देखिए सबसे बड़ा सार ये है, आप इस शरीर के अंदर एक आत्मा हो, या आपकी आत्मा इस समय इस शरीर के अंदर बैठी है, बस यही एक रेफरेंस पॉइंट को चेंज करना है। जिस दिन आपकी ये समझ में आ जाएगा कि आप एक आत्मा हो जो इस समय इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, और वो उससे पहले कहीं और बैठी थी और इसके बाद कहीं और बैठेगी, आप ये शरीर नहीं हो, तो जब आपकी ये समझ में आ जाएगा तो आपकी सब समझ में आ जाएगा, ये रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा बस। हम इस बात पे फिर से एंड में डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा आपको आपके काम को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। त्रिशूल और आकाश दो मेजर मिसाइल्स थे जिसमें आपने कलाम सर के साथ काम किया था, उस वक्त के कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप स्टूडेंट्स को बता सके कि कैसा एनवायरनमेंट था, काम कैसे होता था, प्रेशर कैसा होता था? प्रेशर जो है वो काम का एक ज़रूरी भाग है, जैसे बिना प्रेशर कुकर के खाना नहीं बन सकता, और बनेगा तो चार चार घंटे तक दाल की हांडी, तो वो तो टाइम नहीं है। हाँ, तो वो तो प्रेशर तो ज़रूरी है, तो प्रेशर तो रहता था पहली बात। दूसरी बात, त्रिशूल और आकाश मिसाइल दोनों डिफेंस मिसाइल हैं, जैसे कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो दुश्मन का जहाज़ जो है वो आपके ऊपर बम गिराने आ गया, अब आप उस जहाज़ को टैकल करना है, तो इन दोनों को हम डिफेंस मिसाइल्स कहते हैं, ये डिफेंस करने के काम आते हैं, जबकि अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जो हैं वो अटैक करने के काम आते हैं। तो ये छोटे मिसाइल होते हैं, और छोटे का मतलब 7-8 टन के, छोटे का मतलब 7-8 टन का मिसाइल होता है, हाँ, कंपैरेटिवली छोटे। और आकाश मिसाइल की जो लंबाई है वो 6.5 मीटर है, और उसका डायमीटर 650 मिलीमीटर, यानी करीब 0.65 सेंटीमीटर है। तो ये सब इसके अंदर बहुत उच्च कोटि की इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है, इंटेलिजेंस यूज़ होती है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो मेरा काम इनका एयरफ्रेम बनाने का था, और आज भी मुझे अच्छी तरह से, मैं मतलब कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो मन में बैठी हुई हैं, दैट 6.114 इज़ द लेंथ ऑफ द आकाश मिसाइल, 650 इज़ द स्पैन ऑफ द राकेट, सो ऑल दिस थिंग्स आई मेड दैट, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली। कलाम सर के साथ के कुछ कोई ऐसा कुछ नया सीखने को मिला उस दौरान? हमें सीखने के मिला कि जीवन, आपके जीवन की सार्थकता आपके काम में है, और आप जो काम कर रहे हैं उससे आपके जीवन का वैल्यूएशन होता है। आप क्या हो, इट डजंट मैटर, आप कितने अमीर हो, आप कितने, ये सबसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इस फूल, ये जो सामने फूल खिले हुए हैं, इसकी सार्थकता यह है कि ये खिलता है, सबको अपनी सुगंध देता है, सबको सुख देता है, जो इसको देखता है उसे अच्छा लगता है। उसके बाद ये 2-3 दिन के बाद अपना मुरझा के नीचे गिर जाता है और उर्वरक बन जाता है, और ये मदद करता है उस पौधे की कि वो दोबारा से और इसमें फूल आए। तो हम जो हमें जीवन मिला है 60-70-80 साल का, हम क्या करके जाएँ, हम कैसे सुगंध दे के जाएँ, हम कैसे लोगों को खुशी बांट के जाएँ, यही सार्थकता है बस। जिसकी ये समझ में आ जाता है उसकी सब समझ में आ जाता है, बाकी सब ये आई थिंक इट इज़ टू मच ऑफ आइडेंटिफिकेशन इनटू कि मैं अरुण तिवारी हूँ, मैंने कलाम साहब के साथ काम किया है, कलाम साहब बहुत बड़े आदमी थे, हम सब एक कठपुतली हैं,
डांस कर रहे हैं अपना अपना, तो अच्छा डांस करें और जो जो पुश और पुल आते हैं उनके हिसाब से रेस्पॉन्ड करें। तो बस वही जीवन है, तो उसी में किसी को कलाम बनाया जाएगा, किसी को अरुण तिवारी बनाया जाएगा, कोई मेघना बन जाएगी। और हम इस बात का ध्यान रखें कि ये जो बच्चा इसका शूटिंग कर रहा है और उसके बाद जिस इंटरनेट पे आप इस वीडियो को चढ़ाने वाले हैं, तो उनके बिना हम बेकार हैं। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इसके पहले भी थे, आप इसके बाद भी होंगे। तो एटर्निटी की बात की थी, तो बस वही, तो हम सब उस एटर्निटी के पार्ट हैं। और जब वो समझ में आ जाता है तो बड़ा मज़ा आता है, पूरा प्रेशर हट जाता है दिमाग के ऊपर से। और जो बच्चे अब जैसे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि हर साल एग्ज़ाम होते हैं और उनके जैसे हर साल बच्चे आके एग्ज़ाम देते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है ये बहुत बड़ा नाटक है, और इस नाटक को बहुत प्रेम से खेला जाए और जितने मार्क्स आ जाएँ उतने काफ़ी हैं। और प्रश्न ये है कि अब हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ तो अब इसके बाद इंटर का होएगा, एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, लास्ट तक होते रहेंगे, फिर शादी होएगी, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो एग्ज़ाम तो चलते रहेंगे, एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जीवन ही एक एग्ज़ाम है। लेकिन इस एग्ज़ाम को बिना टेंशन के हंसते हुए, तो क्वेश्चन पेपर आए, कोई सवाल उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हंसो पहले, या पढ़ा है कुछ नहीं पूछते समय, इतने इंटेलिजेंट हो रहे हो तो ठीक है, तो कुछ तो लिखेंगे इसके बाद, कुछ इनोवेटिव आंसर लिखो। खाली प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका खाली छोड़ के मत आओ, तो कुछ तो लिख के आओ उसके अंदर, बस हाँ कुछ तो लिखो। और कुछ लिखोगे तो कुछ मिलेगा उसके ऊपर, 10 में से 10 नहीं तो 5 से 4 तो कुछ तो देगा कोई, दयालु लोग हैं, टीचर भी दयालु हैं। तो लिख के आओ कुछ एग्ज़ाम में, बस टेंशन मत लो। और अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा आपने जुलाई से लेकर अब तक, तो अभी क्या कर लोगे, तो टेंशन मत लो, कुछ तो लिख के आओ, राजी को खुशी मन से एग्ज़ाम देने जाओ और जो मन करे वो लिख के आओ एग्ज़ाम में, तो बस हो जाएगा काम। हमने तो ऐसे किया, हमारा काम तो हो गया, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। अच्छा, इंडिजिनस कोरोनरी स्टेंट, आई गेस अच्छे से हमने प्रोनाउंस किया इस बार। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एज सच, लेकिन मेरे को जितना पता चल रहा है ये कार्डियक या फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ है। तो बीइंग अ मैन ऑफ मिलिट्री, बीइंग अ मैन ऑफ डिफेंस, जो कि डिफेंस के लिए चीज़ें बनाता है, उसको ऐसा कैसे आइडिया आया कि कुछ मनुष्य के लिए हेल्प करते हैं या फिर ऐसा हेल्थ के लिए कुछ काम करते हैं? यही एक जो जब आपका विंडो खुल जाती है, तो कलाम साहब डिफेंस लैब के डायरेक्टर थे जहाँ मिसाइल बनाने का काम होता है, और 780 करोड़ रुपए उस ज़माने में भारत सरकार ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए दिए थे। तो कलाम साहब हमेशा ये सोचा करते थे कि इस पूरे पैसे का जो प्रयोग होता है, इसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है, मटीरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब, इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा है? तो ये उनके दिमाग में ये सवाल घूमता रहता था। कलाम साहब की शुरुआत हुई, तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया एंड ही यूज़ टू कॉल मी बडी, सो बडी बडी कम हियर, सी यू हैव ए हार्ट प्रॉब्लम, आई वॉज हैविंग ए हार्ट प्रॉब्लम एट दैट टाइम, सो यू आर क्लोजेस्ट टू द डॉक्टर्स, आई से यस सर, अमंग ऑल द पीपल यू आर क्लोजेस्ट टू द डॉक्टर, मतलब अस्पताल में दिखाने जाता है। सो वट आई वॉन्ट टू डू इज़ यू फाइंड आउट वाट वी कैन डू फॉर डॉक्टर्स, सो गो एंड टॉक टू डॉक्टर्स वॉट दे वॉन्ट। सो इन दैट प्रोसेस आई वेंट टू माई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमराजू एंड आई आस्क हिम, सर वॉट कैन वी डू एनीथिंग फॉर यू? ही सेज दिस कॉर्नरी स्टंट विच इज़ ए स्मॉल बॉल पेन में कॉयल, वो स्प्रिंग होता है ना उसके जैसा होता है, तो हार्ट की जो 3 आर्टरी होती हैं जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको एक कैथेटर से उसको फुला के और दोबारा कॉलेप्स ना हो तो एक उसके अंदर मेटल का एक स्प्रिंग डाल देते हैं, उसको स्टंट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्टंट 75,000 रुपये का आता है 1992 में, और जो पूरी फीस होती है उस पूरे इसकी खर्चा जो होता है ऑपरेशन का, वो 40,000 होता है, जिसमें अस्पताल भी शामिल है, सब कुछ शामिल है, और इस छोटी सी चीज़ की कीमत 75,000 रुपये है क्योंकि ये अमेरिका से आता है, तो क्या आप इसे बना सकते हो इंडिया में? तो इस तरह से ये चैलेंज लिया हमने। तो खैर वो हमने बनाया और हमें पता लगा कि उसको बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो उसमें इतनी ऑक्सीजन होती है कि ऑक्सीजन सबसे बड़ा कोरोडेंट है लाइफ का, सबसे बड़ा जहर ऑक्सीजन है। अगर 21% ऑक्सीजन की जगह 22% ऑक्सीजन हो जाए तो देन यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स,
यू विल डाई इफ इट इज मोर देन 35 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज वेरी बिग कॉरोटेंट. सो जो भी हम मेटल लगाते थे वो कोरोड हो जाती थी. तो पता नहीं कितनी बकरियां मारी मैंने, उनको स्टंट बकरी में लगाते थे, बकरी मर जाती थी. मैं रोता था, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ. तो सुमराज साहब कहते थे कि अरे ये तो डिनर बन गया रात का, इसमें रोने क्या बात है, बकरी की तो नियति मरना है, तो तुमने मारते तो उसको काट के खा जाते हैं लोग. तो इस तरह से जो है हमने धीरे धीरे सीखा कि किस तरह से वो मेटल बनाई जाए जो उसकी ऑक्सीजन से कोरोड ना हो. 2-3 साल लगे बनाने में. और जब हमने कॉर्नरी स्टंट बनाया तो 500 रुपये उसकी कीमत आई बस. तो यही तो देश की प्रॉब्लम है. बाबा रामदेव यही तो कह रहे हैं तुमसे, ये कॉलगेट फॉरेंस क्या कर रहे हो, ये अपने आप बनाओ ना. तो यही तो सब है, यही तो सार है पूरी बात का. तो मुझे तो कई बार जब मैं बाबा रामदेव को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कलाम साहब बोल रहे हैं. तो सोच वही है, क्यों बाहर से ये सब चीज़ें आनी चाहिए. इतने अज्ञानी हैं क्या हम लोग कि स्टंट भी बाहर से आएगा, सब चीज़ बाहर से आएंगी, टूथपेस्ट भी बाहर से आएगा, कॉस्मेटिक्स भी बाहर से आएंगी. ऐसा थोड़ी होना चाहिए. हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा रिसोर्सेज है. सब कुछ है. ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान ने भारत को नहीं दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल थोरियम 2050 में जो जितने भी एटॉमिक एनर्जी है हमारे पास, जितना थोरियम है हमारे देश के अंदर, कि हम अगले जब तक सृष्टि है तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन थोरियम डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता. तो पहले आपको यूरेनियम, उसके बाद प्लूटोनियम, एक थ्री स्टेज एटॉमिक एनर्जी का विजन था जो भाभा साहब ने दिया था. तो उसके तहत 2050 के बाद जब हम थोरियम के न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेंगे, हमें किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम देने वाले होंगे. तो ये सोच और ये सब भारत में है. ज्ञानी, विज्ञानी, संत सब लोग यहाँ पर हैं. खाली पहचानने की ज़रूरत है और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. और एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है. टेंशन मत लो. मतलब ये जीवन एक नाटक है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा. लीला है भगवान की, तो लीला तो नाटक ही तो होती है. तो वो आपको ऐसी कोई सवाल नहीं देंगे जो आपको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कोई समस्या नहीं देंगे जो आप जिसका आप निदान नहीं कर सकते, आपको ऐसा कोई काम नहीं देंगे जो आपसे नहीं हो सकता कभी भी. अगर मन हो तो नहीं, भगवान कभी करेंगे ही नहीं. पर अगर आप अगर छोटे देह को लेके कि बस मैं तो गाय का निबंध लिखना आ गया, मुझे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कहेंगे ठीक है, तब भी खुश हो तो तुम गाय का निबंध लिख के खुश रहो. लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैं और कुछ सीखना चाहता हूँ, और कुछ करना चाहता हूँ, और कुछ समझना चाहता हूँ, तो आप जितना चाहेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा. जिज्ञासा होना ज़रूरी है, देह होना ज़रूरी है, अपने जीवन का कोई मेरा सार्थकता इसकी क्या है, ये होना ज़रूरी है. आपके नाम के साथ अगली चीज़ जो मुझे पता चली वो थी सैटेलाइट बेस्ड टेली मेडिसिनल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम. इसके बारे में कुछ बताइए. जब हम लोग अफ्रीका गए कलाम साहब के साथ, तो हमने देखा कि पूरा का पूरा जो अफ्रीका का महाद्वीप है जिसमें 54 देश हैं, और पिछले 100 साल से गुजरात के गए हुए काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं, और एक ज़माना था जब वहाँ इंडिया का रुपया चला करता था, इंडियन करेंसी चलती थी. तो धीरे धीरे उस पूरे महाद्वीप के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस होता जा रहा है. वो वहाँ सड़कें बना रहे हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग बना रहे हैं. तो सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है अगले 50 साल के अंदर, कि जो सबसे ज़्यादा 2 पॉपुलेटेड कंट्री हैं दुनिया के, चाइना और इंडिया, तो खाना कहाँ से आएगा? क्योंकि जो धरती है उसको हम विकास कर रहे हैं, तो सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, तो जो खेती के योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है, लोग पेट भरते जा रहे हैं. तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, पानी है, सब कुछ है वहाँ भगवान का दिया हुआ. तो अगर उस ज़मीन के ऊपर हमारा भी स्वामित्व हो, हमारा भी प्रभुत्व हो, तो हम वहाँ खाना उगा के यहाँ खाना लोगों को खिला सकते हैं. तो वो चाइना ने बहुत पहले समझ लिया था, तो वो वहाँ पर उन्होंने अपनी पैर पसारने शुरू कर दिए.
तो हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास तो अपनी सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है। बाबतपुर से BHU आना जो है वो बहुत बड़ा काम है, तो अफ्रीका में क्या सड़क बनाएंगे, अपनी ना बनी अभी तक तो। ओके, शौचालय बनवाए तो उसमें बकरियां बांध दी लोगों ने, तो हमारी अपनी समस्याएं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो कलाम साहब ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, एक एक ई नेटवर्क बनाते हैं, वो तो हमें आता है। तो हमने एक ई नेटवर्क बनाया, पैन अफ्रीका ई नेटवर्क, और मुझे ये काम दिया गया कि मैं जोमो केन्याटा हॉस्पिटल जो नैरोबी में है उसको केयर हॉस्पिटल के साथ जोड़ूँ हैदराबाद में। वो मैंने सक्सेसफुली जोड़ा और वहाँ से बात शुरू हुई। तो 54 देशों के विश्वविद्यालय और अस्पताल के जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं ये आपस में हमने इस नेटवर्क के थ्रू जोड़े हैं, तो ये चालू है और ये बहुत अच्छा नेटवर्क हमने बनाया। तो उससे हमारा एक दोस्ती बनी अफ्रीका के लोगों के साथ। जैसे विंग्स ऑफ फायर में प्रोजेक्ट नंदी के बारे में बोला गया है कि वो स्टार्ट ऑफ हुई लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाई, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो फेलियर आता रहता है साइंस में, फेलियर आता रहता है, तो आप लोग फेलियर को कैसे डील करते थे? और जैसे कि उससे आप रिलेट करके ये भी बता सकते हैं कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि छोटे छोटे फेलियर से डर जाते हैं, जैसे आपने बोला कि 9.5 CGPA आया, 10 CGPA नहीं आया, तब डर जाते हैं, फेलियर तो बहुत दूर की बात है, तो उससे कैसे डील करें स्टूडेंट्स और अपना मोटिवेशन बिना खोए वो आगे कैसे बढ़े? नहीं, पेरेंट्स की समस्या ये है कि जो पेरेंट्स जो है वो जो उनसे नहीं हुआ वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, उनको अपना अनफिनिश एजेंडा पूरा करने का साधन समझते हैं, जो बहुत ही गलत बात है, जो बहुत ही गलत बात है। तो खलील जिब्रान एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि ये बच्चे आपके थ्रू आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके हैं, आपके थ्रू आए हैं। पोस्टमैन चिट्ठी लेके आया है, इसका मतलब ये थोड़ी चिट्ठी उसकी है या मनी ऑर्डर उसका है, वो तो लेके आया है, तो उनके थ्रू आए हैं आप बस इस जीवन में। और आप क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया था, तो आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, और इसी तरह से आप भी बच्चे जब आपके थ्रू भी आएंगे फिर आप उनको पढ़ाएंगे, तो आप एक 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 चेन है, बिटकॉइन की चेन है, तो और क्या है, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम फेलियर का मतलब जो है, फेलियर क्या है, फेलियर ये कि मैं एक काम करना चाहता था वो मुझसे आज नहीं हुआ, नहीं आज नहीं हुआ, गोली गलत हो सकता है, तो मैं गोल अचीव नहीं हो रहा मेरे से, तो मेरे गोल में कुछ कमी होगी, मेरी तैयारी में कुछ कमी होगी, फिर करूँगा। एडिसन ने जब 1000वीं प्रयास में बिजली का बल्ब बनाया था तो उसने ये कहा था कि अब मुझे ये मालूम है कि 999 कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, तो बस यही एक सार है, फेलियर क्या है, फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम लोग एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हैं किसी तरह से? नहीं, कुछ तो सीखा होगा आपको, ये तो पता होगा कि ये करने से ये नहीं होता है, तो मैं इस तरह से तैयारी करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, ये तो पता लग गया, तो अपने आप को चेंज तो करो। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो दुनिया में ये है कि बिना खुद चेंज करे हम अपनी परिस्थितियाँ चेंज करना चाहते हैं, ये तो नहीं हो सकता, आपको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को चेंज कर दोगे पूरी आपका दुनिया चेंज हो जाएगी। जैसे अभी आप पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठी हो तो आपको कुछ दिख रहा है, आप अपनी कुर्सी को उल्टा लो तो आपको कुछ और दिखने लगेगा, तो आपको कुछ चेंज करना है, बस चेंज करना है, और अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं हो पाएगा, बस चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हम इस शरीर के अंदर एक आत्मा नहीं है, हम एक आत्मा है जो इस समय शरीर में है, हमें किसी पर्पज़ के लिए भेजा गया है, हमें वो पर्पज़ आज पता नहीं है लेकिन पता लग जाएगा। हम अपनी जिज्ञासा शुरू करते हैं कि मुझे किस लिए भेजा गया है, और धीरे 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 सब कुछ बता दिया जाएगा, बस उसको फॉलो करते रहो एंड एन्जॉय द लाइफ। ओके, आप एक महान साइंटिस्ट हैं, हमारे लोगों के सामने आप बहुत महान साइंटिस्ट हैं, आप खुद को जो भी बोले, लेकिन एक बीइंग अ मैन ऑफ साइंस आप स्पिरिचुअलिटी से सारी चीज़ें रिलेट करते हैं, अ
अभी भी आपने सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से रिलेट की, जो कि लोग इसका उल्टा बोलना चाहते हैं कि साइंस तो ये नहीं मानता है कि भगवान है, या फिर साइंस तो ये नहीं मानता है कि ऐसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, आत्मा का प्रूफ नहीं है। स्टिल बीइंग अ मैन ऑफ कोर्स साइंस, आप आत्मा की बात कर रहे हैं आप, तो ये एक ये रिलेशन आपको कहाँ से मिला, ये रिलेशन आप कहाँ से ढूंढ रहे हैं, और इस रिलेशन से मतलब क्या ये इम्पोर्टेंट है एक इंसान को, मतलब एक नॉर्मल इंसान को एक खुश इंसान बनाने का? एक देखो बेटा, साइंस एक बहुत ही छोटी एक साइंस ऐसी संज्ञा है जो संज्ञा है ही नहीं, वो वर्ब है। एक्चुअली साइंस एक क्रिया है, संज्ञा नहीं है, साइंस एक क्रिया है, और उसको अन्वेषण कहते हैं, उसको अनुसंधान कहते हैं, विज्ञान। तो जो मेरे सामने हैं वो क्यों हैं, उसका मैं कारण जानूं, इसको विज्ञान कहते हैं। तो जब न्यूरोलॉजी नहीं थी तो ब्रेन तो तब भी था, है ना, जब वेटनरी साइंस नहीं थी घोड़े तब भी थे। तो जो मैं जानता हूँ बस वही ट्रुथ है, और जो मैं नहीं जानता हूँ वो ट्रुथ नहीं है। तो इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। तो ये तो इस बात का जवाब हुआ, साइंस जो है वो रियलिटी का 0.001% भी नहीं जानता। और साइंटिस्ट कौन है? बस वो अपने बारे में नहीं जानते, उनको यही नहीं पता वो कौन है। तो साइंस को एक एक बहुत ही छोटी एक कोई, और फिर साइंस कौन सा साइंस, बॉटनी का साइंस, जूलॉजी का साइंस, न्यूक्लियर का साइंस, साइंस के तो 50 तरीके हैं। तो हर एक आदमी अपना छोटा छोटा धागा पकड़ के घूम रहा है और वो कहता है उसे सब पता है, तो उनसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता। तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जो आइंस्टाइन हुए हैं, जो स्टीफन हॉकिंस हैं, ये सब लोग हैं, ये कोई नहीं कहते कि उन्हें सब पता है, ये नहीं कहते कभी भी, नहीं वो नहीं कहते। नहीं, हम ब्रह्मास्मी हैं, हमारे अंदर पोर्टल है, हम उसके थ्रू भगवान से बात कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सामने टेलीविज़न है, या जो हमारे सामने EKG ECG रिकॉर्ड करके, फंक्शनल MRI करके आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं आप, उसमें कुछ होने वाला थोड़ी है। एक बहुत अभी नई किताब आई है, यूनिवर्स इज़ ए मैथमेटिकल। सो एट द एंड ऑफ द डे इज़ ऑल इक्वेशंस, सो होल वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज मैथमेटिक्स? सो इट्स ओके। सो जस्ट टू कंक्लूड द डिस्कशन, द विंग्स ऑफ फायर किताब जब लिखी गई तो कुछ जो लोग बड़े बिजी हैं तो उन्होंने कहा कि सर हम किताब पढ़ना चाहते हैं विंग्स ऑफ फायर, पर हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर ये सवाल उठा कि चलो इसकी एक ऑडियो किताब बनाते हैं, तो कौन पढ़े उसको? तो गुलजार साहब ने कहा कि हम पढ़ेंगे आपकी किताब, लेकिन हमको आप ये और परमिशन दे दीजिए कि हम इसे कुछ अपने हिसाब से पढ़ें, कुछ लैंग्वेज भी चेंज कर लें। तो हमने कहा सर तो सोने में सुहागा है। तो बाद में सारी बात जब गुलजार साहब ने विंग्स ऑफ फायर पढ़ दी, 1.25 घंटे की ये किताब है, CD पे मिलती है, परवाज उसका नाम रखा उन्होंने, परवाज, उड़ने की इच्छा। तो उसके लास्ट में एक गुलजार साहब ने कहा कि हम एक पोएम लिखना चाहते हैं, हम तो पोएट हैं। तो उन्होंने पूरी जो 200 पेज की विंग्स ऑफ फायर है उसको उन्होंने 4 लाइनों के अंदर समेट दी, एंड वी वर सो थ्रिल्ड, दैट इज़ द जीनियस ऑफ ए पोएट। तो वो मैं 4 लाइन बोलने के साथ आपको इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहूँगा। कभी वक्त उठा के सरों पे हम, और आग लेके परों पे हम, वक्त उठा के सरों पे हम। अब टाइम ऐसा था कि क्या करें, तो खाना नहीं था तो भूखे रह गए, वक्त उठा के सरों पे हम। वक्त की इज्जत करनी है, जैसा टाइम है वैसा ही करना है, एग्ज़ाम है तो पढ़ना है। वक्त उठा के सरों पे हम, और आग लेके परों पे हम, एमरजेंसी है तो पर पे आग लेके चले जाएंगे, चाहे पर जल जाएँ, कोई डरना नहीं है उस समय।
वक्त उठा के सरों पे हम, आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खला कहीं, खाली मट्टी छानते रहे, कोई काम नहीं था। हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं, मेरी ज़िंदगी परवास है। तो ये जो जज्बा होता है, हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं, मेरी ज़िंदगी परवास है, उड़ना ही ज़िंदगी है, उड़ना ही ज़िंदगी है। तो ये जो भगवान ने शरीर दिया है, मानव का शरीर दिया है, शिक्षा दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, बड़ा काम करके जाओ, कुछ ऐसा काम करके जाओ जिससे चारों तरफ के लोग का भला हो, कल्याण हो सबका। और कुछ नहीं तो कम से कम मुस्कुराहट आए आपको देख के किसी के चेहरे पे, इतना तो कम से कम करके जाओ। एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स गॉड विल टेक केयर ऑफ, बिकॉज इट इज़ हिज गेम एंड वी आर ओनली ए पार्ट ऑफ दैट गेम, इज़ नॉट अवर गेम, पार्ट ऑफ अवर गेम। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।